सो है गाइस, आ गए एक नया वीडियो के साथ। गाइस आज इस वीडियो में आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देने वालों, जो कि गाइस इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानना जरूरी है। सोचिए आप लोग किसी भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो उसको लेके गाइस किसी भी मिसयूज़ हो गया, उस टाइम आप लोग कस्टमर केयर में कंप्लेन करते हो, उसका तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उस टाइम आप लोग कैसा लगेगा, आपका अंदर जो फील होगा कैसा होगा। सोचिए आप लोग किसी भी वेबसाइट से सामान लिया, उसके बाद आपका जो सामान है उसके बारे में किसी भी इशू आया, लेकिन आप लोग कस्टमर केयर में उसका कंप्लेन डाल दिया, मेल वगैरह कर दिया, लेकिन आप लोग आपका जो भी पोजीशन है आगे का जो कस्टमर केयर है, मतलब कंप्लीट, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन नहीं किया, तो उस टाइम आप लोग को कैसा फील होगा। अगर गाइस आप लोग किसी भी मतलब शॉप में जाके, मतलब जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, किसी भी शॉप वगैरह मतलब इधर उधर देखने के लिए मिल जाता है शॉपिंग मॉलों का, तो किसी भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो उस टाइम क्या होता है, उस प्रोडक्ट को लेकर किसी भी इशू आता है, तो उस टाइम आप लोग जो भी मैनेजर होता है, जो कस्टमर केयर होता है, बात करते हो, तो उस टाइम आगे से आप लोग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो क्या कैसा लगेगा। आप लोग उस टाइम सोचते हो गाइस आगे का जो भी कंपनी आप लोगों को जो सोल्यूशन है सोल्यूशन नहीं किया, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो गाइस आज के बाद गाइस इसका जो भी सोच है मत सोचिए, क्योंकि गाइस आप लोग कंपनी का जो सर्विस होता है इसको यूज़ करने का थोड़ा भी आप लोगों को परेशानी नहीं आता है, तो इसका भी खिलाफ भी आप लोग मतलब रिक्वेस्ट डाल सकते हो, और आपका जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को बता सकती हो, और आपका जो भी प्रॉब्लम है तुरंत सॉल्व हो जाएगा। हो सके किसी भी सर्विस हो गया, किसी भी प्रोडक्ट हो गया, किसी भी बैंक हो गया, मतलब जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हो पूरा जो इंटरनेट का दुनिया में जो भी चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिलता है, जो भी एप्लीकेशन हो गया, सबसे पहले गाइस उसका इन्फॉर्मेशन ले लेना है। जैसे कि किसी भी प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का बारे में आप लोगों को रिक्वेस्ट डालना है, ऐसे ऐसे हुआ मेरे को, ऐसे प्रॉब्लम नहीं मिला, मतलब जो कि होता है कंप्लेन, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गाइस आप लोग उसका इन्फॉर्मेशन लेके डायरेक्टली आप लोगों को एक रिक्वेस्ट सबमिट कर देना है। अगर गाइस किसी प्रोडक्ट को लेके हो गया है तो प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स लेके आप लोगों को सबमिट कर देना है। अगर किसी भी बैंक को लेके हुआ तो उसका भी आप लोगों को डिटेल्स लेके सबमिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस, आप लोग बस किसी भी तरह का फ्रॉड हो, सबसे पहले आप लोग कंज्यूमर हेल्पलाइन में मतलब विजिट करना पड़ेगा। अगर गाइस आप लोग किसी भी सर्विस यूज़ करते हो, किसी भी प्रोडक्ट लेते हो, तो गाइस उस हिसाब से आप है कंज्यूमर, और कंज्यूमर हेल्पलाइन में गाइस सिर्फ कंज्यूमर का ही रिक्वेस्ट लिया जाता है। किसी भी तरह का फ्रॉड, किसी भी तरह का समस्या हो सकती है, तो गाइस उस टाइम आप लोग कंप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग www.consumerhelpline.com ऐसे कुछ लिख के आप लोग सर्च कर लेने, आपको लोगों के साथ एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट का अंदर आप लोगों को सबसे पहले आपका जो प्रोफाइल होता है प्रोफाइल को क्रिएट कर लेना है, ईमेल आईडी पासवर्ड फोन नंबर पूरा का पूरा डिटेल्स डाल के। अगर गाइस आप लोग फोन में यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को फोन में एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, जो कि होता है गाइस कंज्यूमर हेल्पलाइन ऐसे वाला एक एप्लीकेशन। तो आप लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को प्रोफाइल को क्रिएट कर लेना है। प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद गाइस आप लोग किस बारे में आप लोग रिक्वेस्ट डाल रहे हो, किस लिए आप कंप्लेंट डाल रहे हो, उस रीजन को आप लोगों को देखने के मिल जाएगा, एक लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले आपका नाम मतलब आपका डिटेल्स डालना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग किसका बारे में आप लोग कंप्लेंट मतलब रिक्वेस्ट डालना चाहते हो उसका डिटेल्स भी डालना पड़ेगा। उधर गाइस आप लोगों को चूज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, क्या बैंक के बारे में कर रहे हो, कोई भी सोशल मीडिया के बारे में कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कर रहे हो। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखने गाइस, जो चीज़ के बारे में आप लोग मतलब रिक्वेस्ट डालना चाहते हो उसका प्रॉब्लम आप लोगों के पास सॉल्यूशन हो जाए, तो सबसे पहले उसका डिटेल्स आप लोगों को कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद गाइस कंज्यूमर जो हेल्पलाइन होता है उसका तरफ से आपका जो भी प्रॉब्लम है तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गाइस किसी भी कंपनी का ऊपर जो रहता है वो होता है कंज्यूमर हेल्पलाइन, क्योंकि गाइस पूरा का पूरा डिपार्टमेंट किसी भी गलती करता है तो गाइस उसका फॉलो में रहता है वो होता है कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो गाइस अगर आप लोग एक प्रोडक्ट एक सर्विस यूज़ कर रहे हो किसी भी कंपनी का हो, तो गाइस आप लोग ये चीज़ आपको जानकारी लेना चाहिए, और आप लोग किसी भी समस्या से मतलब छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहले इस वेबसाइट में जाके आप लोगों को इसका जो कंप्लेन है एक डाल देना है, उसके बाद इसका जो डिपार्टमेंट है आप लोगों का आपका जो प्रॉब्लम होता है तुरंत सॉल्व कर देगा। सो गाइस वीडियो इतना तक देख लिया, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि गाइस ऐसे इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मतलब मिलता रहे। अगर गाइस ऐसे इन्फॉर्मेशन कोई भी मतलब पहले आप लोग सुना है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताए। सो गाइस वीडियो में इतना तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल वाला जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके रखना, क्योंकि गाइस ऐसे टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में अपलोड करता रहूँगा। सो एवरी आर टेक केयर।